पीड़ित हर एक को इंसाफ के लिए लड़ने का हक हाँ है और इस अदालत का फर्ज है कि वो उन्हें इंसाफ दिला हेलो दोस्तों आपका स्वागत है और हमारे चेना कलेक्शन टेक में आज हम बात करेंगे इस साल की छह सबसे बड़ी फिल्मों के बारे में जिसमे कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका आहन शेट्टी की फिल्म तड़प सलमान खान की फिल्म अंतिम अक्षय कुमार की फिल्म सूर्य वंशी जोन अब्राहिम की फिल्म सत्य में उजयते टू और साउथ के सुपर स्टार सूर्या की फिल्म जय भीम शामिल है और आपको बताएंगे इन छह फिल्मों का अभी तक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा कौन सी फिल्म ने मारी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस आरोप बाजी और कौन बना बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा सुपर स्टार इसी के साथ कौन सी फिल्म हुई ब्लॉक बेस्टर और कौन सी हो चुकी है फ्लॉप तो दोस्तों यह सब जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल कलेक्शन टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे आपको लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका के बारे में आपको बता दे धमाका फिल्म का बजट तीस करोड़ रूपए ऐसी ज्यादा था वही फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया और फिल्म को पब्लिको ने लगभग फाइव स्टार रिव्यू दिया जिस वजह से फिल्म का वर्ड आउथ काफी अच्छा रहा वो फिल्म ने अपने पहले दिन ऑटरी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते ही छह करोड़ दस लाख रूपए जबरदस्त ग्रोथ देखी गई फिल्म ने अपने दूसरे दिन सात करोड़ इकतालीस लाख रूपए कमाए लेकिन फिल्म के तीसरे दिन संडे होने की वजह से फिल्म का कलेक्शन काफी ज्यादा बढ़ा वो फिल्म ने अपने तीसरे दिन संडे को आठ करोड़ सात लाख रूपए से भी ज्यादा की कमाई की इसी के साथ अगर फिल्म के पहले हफ्ते और अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करी तो धमाका फिल्म ने अपने पहले हफ्ते अपने बजट से लगभग 20 परसेंट ऐसी ज्यादा की कमाई करते हुए 40 करोड़ उन्सी लाख रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन किया इसी के साथ इस फिल्म को अभी तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुए 20 दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट के मुताबिक धमाका फिल्म अपने बीसवे दिन यानी आज तेईस लाख रूपए के आसपास कमाई कर रही जिससे फिल्म का बीस दिनों का टोटल ओटिटी कलेक्शन अट्ठावन करोड़ बारह लाख रूपए हो जाएगा और यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म आरोप सुपर हिट हो जाएगी लेकिन अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म जय भीम के बारे में आपको बता दें इस फिल्म में आपको साउथ के सुपर स्टार सूर्या लीड रोल में दिखाई थे वही फिल्म का बजट था दस करोड़ रुपए लेकिन इस फिल्म को भी पब्लिक क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा प्यार दिया और लगभग फोर पॉइंट फाइव स्टार रिव्यू दिया जिस वजह से फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ काफी जबरदस्त रहा और फिल्म ने अपने पहले दिन ऑलरेडी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बारह करोड़ बीस लाख रूपए ऐसी भी ज्यादा की ओपनिंग की इसी के साथ इस फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन भी काफी ज्यादा बढ़ा वो फिल्म ने अपने दूसरे दिन तेरह करोड़ पचास लाख रूपए कमाए लेकिन फिल्म के तीसरे दिन संडे होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली और फिल्म ने अपने तीसरे दिन संडे को काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए पंद्रह करोड़ चालीस लाख रूपए ऐसी भी ज्यादा का आंकड़ा पार किया इसी के साथ यह फिल्म अपने पहले हफ्ते अपने बजट ऐसी लगभग नौ गुना ज्यादा कमाई करने में कामयाब रही और फिल्म ने अपने पहले हफ्ते नब्बे करोड़ पैतालीस लाख रूपए का कलेक्शन किया लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करें तो जय भीम फिल्म को अभी तक ओटडी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुए सैतीस दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट के मुताबिक जय भीम फिल्म अपने सैंतीसवे दिन यानी आज उनचालीस लाख रुपए के आसपास कमाई कर रही जिससे फिल्म का अभी तक का टोटल ओट कलेक्शन 213 करोड़ तिरयालीस लाख रुपए हो जाएगा और यह फिल्म अपने बजट से लगभग 20 गुना ज्यादा कमाई कर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हो जाएगी लेकिन अब बात कर लेते अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी के बारे में आपको बता दें सूर्यवंशी फिल्म में आपको अक्षय कुमार के साथ कई मल्टी स्टार कास्ट नजर आए थे वही फिल्म का बजट था एक करोड़ रूपये लेकिन इस फिल्म को भी पब्लिक ने काफी ज्यादा पसंद किया और रोहित शेट्टी की फिल्म होने की वजह ऐसी फोर स्टार यू दिया जिस वजह ऐसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी जबरदस्त रहा और फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस आरोप छब्बीस करोड़ उन्तीस लाख रूपए ऐसी भी ज्यादा की ओपनिंग की इसी के साथ इस फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन में भी काफी अच्छी पकड़ देखने को मिली वो फिल्म ने अपने दूसरे दिन तेवीस करोड़ पिछासी लाख रूपए कमाए जिस वजह ऐसी फिल्म का तीसरे दिन का संडे का कलेक्शन और भी ज्यादा बढ़ा वो संडे की छुट्टी होने की वजह से फिल्म ने अपने तीसरे दिन छब्बीस करोड़ चौरानवे लाख रूपए कमाए इसी के साथ अगर फिल्म के पहले हफ्ते और अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करे तो यह फिल्म अपने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर सौ करोड़ रूपए का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही और फिल्म ने अपने पहले हफ्ते एक करोड़ उन्तीस लाख रूपए से भी ज्यादा का कलेक्शन किया इसी के साथ सूर्यवंशी फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए तैतीस दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट से के मुताबिक सूर्यवंशी फिल्म अपने तैतीसवें दिन यानी आज बॉक्स ऑफिस पर छियालीस लाख रूपये की जबरदस्त कमाई कर रही जिससे फिल्म का तैतीस दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक करोड़ चौतीस लाख रूपए हो जाएगा और यह फिल्म अपने बजट ऐसी लगभग तीस परसेंट ज्यादा की कमाई करते हुए बॉक्स ऑफिस आरोप सुपर हिट भी हो जाएगी लेकिन अब बात कर लेते हैं जोन अब्राहिम की फिल्म सत्यमय जयते टू के बारे में आपको बता दें सत्यमयू जयते टू फिल्म का बजट साठ करोड़ रूपए ऐसी ज्यादा था वहीं इस फिल्म को पब्लिक ओगे ने मिक्स रिव्यू दिया जी आपको बता दें फिल्म की स्टोरी पब्लिक ओगे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई जिस वजह से इस फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स आरोप सिर्फ तीन करोड़ पचास लाख रूपए की ओपनिंग की इसी के साथ फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन भी उम्मीद के मुताबिक थोड़ा कम रहा और फिल्म ने अपने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर तीन करोड़ पिचासी लाख रूपए कमाए लेकिन फिल्म के तीसरे दिन संडे होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और फिल्म ने अपने छुट्टी होने की वजह से चार करोड़ साठ लाख रूपए ऐसी भी ज्यादा की कमाई की इसी के साथ यह फिल्म अपने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ अपने 20% परसेंट के बजट को रिकवर करने में कामयाब रही और फिल्म ने अपने पहले हफ्ते 18 करोड़ 26 लाख रुपए की कमाई की लेकिन अगर सत्य में उजेते टू तो फिल्म के अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करे तो इस फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज हुए तेरह दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट के मुताबिक यह फिल्म अपने तेरव दिन यानि आज बारह लाख रूपए के आसपास कमाई कर रही जिससे इस फिल्म का तेरह दिन का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इक्कीस करोड़ इकतीस लाख रूपए हो जाएगा और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाएगी लेकिन अब बात कर लेते हैं सलमान खान की फिल्म अंतिम के बारे में आपको बता अंतिम फिल्म में आपको सलमान खान के साथ उनके जीजा आयुष शर्मा लीड रोल में दिखाई दिए थे वही फिल्म का बजट था चालीस करोड़ रूपये लेकिन इस फिल्म को पब्लिक ने काफी ज्यादा पसंद किया और लगभग फोर स्टार यू दिया जिस वजह से फिल्म का वर्ल्ड अपाउं थोड़ा ठीक रहा वो फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर पाँच करोड़ तीन लाख रूपए ऐसी भी ज्यादा की ओपनिंग की इसी के साथ फिल्म के दूसरे और तीसरे दिन के कलेक्शन में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और फिल्म ने अपने दूसरे दिन छह करोड़ तीन लाख रूपए कमाए जिस वजह ऐसी फिल्म के तीसरे दिन संडे होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन में लगभग से 25 परसेंट की ग्रोथ देखी गई वो फिल्म ने अपने तीसरे दिन संडे को काफी बड़ा धमाका करते हुए 7 करोड़ 55 लाख रुपए का जबरदस्त आंकड़ा पार किया वहीं अगर फिल्म के पहले हफ्ते और अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करे तो यह फिल्म अपने पहले हफ्ते अपने बजट ऐसी लगभग अस्सी की रिकवरी करने में कामयाब रही वो फिल्म ने अपने पहले हफ्ते उनतीस करोड़ पैंतीस लाख रूपए ऐसी भी ज्यादा की कमाई की इसी के साथ अंतिम फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज हुए बारह दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम फिल्म अपने बारहवें दिन यानी आज बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ चार लाख रुपए के आसपास कमाई कर रही जिससे फिल्म का बारह दिनों का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन छत्तीस करोड़ उन्नासी लाख रूपए हो जाएगा और यह फिल्म जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को रिकवर कर लेगी लेकिन अब बात कर लेते हैं सुनील शेट्टी के बेटे आहन शेट्टी की फिल्म तड़प के बारे में आपको बता दें तड़प फिल्म में आपको आहन शेट्टी के साथ तारा सुतारिया लीड रोल में दिखाई दी थी वही फिल्म का बजट था बीस करोड़ रूपए लेकिन इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छी स्क्रीन आरोप रिलीज किया गया वो फिल्म को पब्लिक ओगिक्स ने भी लगभग थ्री स्टार रिव्यू दिया जिस वजह ऐसी फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ काफी जबरदस्त रहा वो फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस आरोप चार चार करोड़ पांच लाख रुपए की जबरदस्त ओपनिंग की जिस वजह से आन शेट्टी का डेब्यू काफी वो लगभग चार करोड़ बारह लाख रूपए ऐसी तीसरे दिन संडे का को काफी बड़ा धमाका करते हुए पाँच करोड़ पैतीस लाख रूपए ऐसी भी ज्यादा का कलेक्शन किया लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करे तो तड़प फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए पाँच दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट के मुताबिक तड़प फिल्म अपने पांचवे दिन यानी आज बॉक्स ऑफिस पर दो करोड़ इक्यावन लाख रुपए के आसपास कमाई कर रही जिससे फिल्म का पांच दिनों का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन अठारह करोड़ तिरासी लाख रुपए से ज्यादा रहेगा तो दोस्तों आज के कलेक्शन के मामले में तो आहन शेट्टी की फिल्म तड़प मार लेगी बाजी लेकिन लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में साउथ के सुपर स्टार सूर्या की फिल्म जय भीम और अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का कलेक्शन रहेगा ज्यादा जिस वजह से साउथ के सुपर स्टार सूर्या बनेंगे सबसे बड़े इंडिया के सुपर और अक्षय कुमार बनेंगे बॉलीवुड के सबसे बड़े किंग वही तीसरे नंबर आरोप रहेगी सलमान खान की फिल्म अंतिम लेकिन अगर आपने इन छह फिल्मों को देखा है तो आपको इन छह फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई और फिल्मों अक्षय कुमार की फिल्म जय भीम को जोन अब्राहिम की फिल्म सत्य में टू को सलमान खान की फिल्म अंतिम को या फिर आहन शेट्टी की फिल्म तड़प को आप किराए हमें नीचे कमेंट कर जरूर रहे हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे लाइक करे और जाते जाते हमारे चैनल कलेक्शन टेक को सब्सक्राइब कर बिलाईकॉन प्रेस कर दे जिससे आपको लेटेस्ट कलेक्शन की रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले ही